नमस्ते। नेल्सन मंडेला ने एक बात बिल्कुल सही कही है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत के 1.5 मिलियन स्कूलों में करीब 260 मिलियन बच्चे दुनिया को बदलने के लिए कमर कस रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अपने देश में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों की संख्या अमेरिका की लगभग 80% जनसंख्या के बराबर है। क्या इतनी भीड़ के बीच अपनी छिपी प्रतिभा को पहचानना मुश्किल है? क्या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है? और क्या आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए किसी का साथ चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो हम आपको बताने जा रहे हैं ATSE टैलेंट सर्च कम स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। यह एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी प्रतिभा को पहचानता है, आपको मोटिवेट करता है और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करता है। ATSE एक देश स्तरीय परीक्षा, टैलेंट सर्च और स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें सभी राज्यों और बोर्डों के छात्र शामिल होते हैं। इसमें पुरस्कार और पहचान मिलती है और इसके साथ ही नगद पुरस्कार भी मिलता है। इसके साथ ही यह एक ऑनलाइन केंद्र रहित और मल्टी डिवाइस एग्जाम है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी कि आपको किसी भी सेंटर की जरूरत नहीं होती है। आप परीक्षा कहीं से भी दे सकते हैं। आप इसे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा दे सकते हैं। ATSE में पुरस्कार और स्कॉलरशिप इस प्रकार होती है। पहला पुरस्कार गोल्ड मेडल ₹50,000 और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस का होता है। दूसरा पुरस्कार सिल्वर मेडल ₹20,000 और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस का होता है। तीसरे पुरस्कार में ब्रॉन्ज मेडल ₹10,000 और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस दिया जाता है। चौथी से 50वीं रैंक हासिल करने वाले छात्रों को ₹1,000 और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन दिया जाता है। इसके साथ ही परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन प्रदान किया जाता है। अगर अब आप सोच रहे हैं, अरे यह तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या मैं इस परीक्षा के योग्य हूँ? तो फिर आप इस पात्रता मानदंडों पर ध्यान दे सकते हैं। 5वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र ATSE के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 5वीं से 12वीं तक किसी भी कक्षा के छात्र हैं तो आप ATSE.aglasam.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताती हूँ। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक यानी कि MCQ होते हैं। 5वीं से 10वीं कक्षा तक के एग्जाम में क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस से पूछे जाएंगे और 11वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम में प्रश्न भौतिकी यानी कि फिजिक्स और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होती है। सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के +4 और गलत उत्तर के -1 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 400 है। इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने कुछ बहुत ही खास लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। वेलकम टू ATSE हॉल ऑफ फेम यानी कि पिछले वर्ष के टॉपर्स। आप बाएं से दाएं देख सकते हैं वीर, आर्यन, मोहक, अलिशा, संस्कार, सीमा, श्रेया, प्रशांत और भी बहुत सारे हैं। हम अब तक भारत में 700 से भी ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दे चुके हैं। ATSE के अगले चैंपियन आप भी हो सकते हैं। ATSE.aglasam.com पर जाकर रजिस्टर करें और किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क करें ATSE.aglasam.com पर।